नमस्कार, नारक संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की अष्टमी है, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अक्टूबर है, जो कि वर्ष का 297वां दिन है और साल में भी 78 दिन बाकी हैं। 24 अक्टूबर के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना करी और शहर का नाम तालाब अमृतसर सरोवर के नाम पर रखा गया। 1851 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहली आधिकारिक टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई और आज ही के दिन 1914 में महान स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल का जन्म हुआ। 1921 में आज ही के दिन देश के सबसे चर्चित और सम्मानित कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का जन्म हुआ। कॉमन मैन के जरिए देश के ज्वलंत मुद्दों की लकीरों में बेहद व्यंगात्मक शैली में पेश करने में लक्ष्मण को महारत हासिल थी। 1975 में बधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लाया गया और अगले ही दिन से यह प्रभाव में आया था। 1984 में आज ही के दिन भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई। पहली मेट्रो कलकत्ता से चलाई गई और बाद में यह राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों में परिवहन के एक प्रमुख साधन के तौर पर सामने आई। 1997 में केरल के शिक्षण संस्थाओं में आज ही के दिन से रैगिंग पर रोक लगाई गई थी और बाद में शैक्षणिक शिक्षाओं संस्थानों में फैली इस बुराई पर देश भर में रोक लगाई गई और इसके खिलाफ बकायदा अभियान चलाया गया। रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। विदेश मंत्री जयशंकर ने मोगादिशु और सोमालिया में फंसे 33 भारतीयों की वापसी के लिए केन्या स्थित भारतीय उच्चायोग से उनकी मुसीबतों के बारे में सोमालिया के अधिकारियों के साथ बातचीत की है और इस मामले में जल्द ही समाधान की उम्मीद जताई है। भारत ने 35 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की शासी परिषद के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। इसकी के साथ भारत और ILO के बीच 100 वर्षों के सार्थक संबंध का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के बीच इस परिषद के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। तेलंगाना सरकार ने कृषि उत्पाद की मार्केटिंग करने वाली संस्था मार्कफेड के माध्यम से किसानों से मक्का खरीदने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद इसकी घोषणा करी। महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने के शुरू में राज्य में अधिक वर्षा से प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि मुआवजे की रकम दिवाली से पहले प्रभावित परिवारों को मिल जाए। इसके साथ ही त्रिपुरा सरकार ने उग्रवादी गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापस आने वाले उग्रवादियों और उनके परिवारों के लिए 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है ताकि वे अपना जीवन स्तर सुधार सके। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला में आयोजित एक समारोह में हथियार डालने वाले उग्रवादियों को सहायता राशि प्रदान की। सिक्किम में जैविक खेती और आहार उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ इफको ने सिक्किम इफको ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ पूर्वी सिक्किम के रंगपो में समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का निर्माण शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में शुक्रवार को फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई इस बैठक में कहा गया कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में असफल रहा है, इसीलिए उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। कर्ज के बोझ से डूबे अनिल अंबानी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल ये कमाल, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने कोरोना काल के दौरान जहां कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे निराशाजनक रहे, वही रिलायंस पावर ने कोरोना के दौरान मुनाफा कमाकर दिखाया है। किसानों के लिए अच्छी खबर है, केंद्र सरकार अब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम मिल रही है, जिसमें 6,000 रुपये के अलावा 5,000 रुपये भी देने की तैयारी में है। सरकार यह पैसा किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद के लिए देगी। चर्चा है कि सरकार अब उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देने की जगह किसानों को इसका फायदा देना चाहती है। यदि आप गन्ना किसान हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने गन्ने की 7 नई प्रजातियों को विकसित किया है। शीघ्र ही यह किसानों के लिए उपलब्ध रहेगी और 4 प्रजातियां उत्तर भारत की जमीन के अनुरूप हैं और 3 दक्षिण भारत की जलवायु के अनुरूप तैयार की गई हैं।
देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर अच्छी खबर है। इसमें लगातार बढ़ोतरी के साथ अब तक की सबसे रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचा है। बीते 16 अक्टूबर 2020 को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3.615 अरब डॉलर बढ़कर 555.12 अरब डॉलर की सर्वकालिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रहे उन नोटिस को गलत करार दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET 2020 स्थगित कर दी गई है और अब यह 5 नवंबर को होगी। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस नोटिस को फर्जी बताया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड CBSE ने कहा है कि परीक्षा की तिथियों की घोषणा CTET वेबसाइट पर ही की जाएगी। फर्जी खबरों के विपरीत नारद संचार की सकारात्मक सुर्खियों की पहल अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे मंच को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि समाज में सकारात्मकता का संचार हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।